recent global financial crisis, many companies in the field of IT services offer jobs on contractual basis with a clause of fine for the leaves taken by the employees. An IT company employs an engineer for 290 days on a salary of Rs 500 for 8 hours work per day, and the engineer has to pay a fine of Rs 50 for each hour of his absence. The engineer may compensate his one-day absence by working 4 hours extra for 2 days. If the engineer receives Rs 132,400 at the end of the contract, how many hours was he absent from his job? अगर आप एनालाइज करोगे तो मिनिमम पेमेंट उसको कितना मिलेगा, वो होगा -50। ऐसा क्यों? अगर वो एवरी आवर के लिए एब्सेंट हो रहा है तो -50 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा, करेक्ट है? तो मान लो वो सारे के सारे दिन, मतलब एवरी आवर्स वो एब्सेंट था, जब से उसने ज्वाइन किया वो पूरे आवर्स के लिए एब्सेंट था। तो अगर वो पूरे आवर के लिए एब्सेंट था तो उसे कितना फाइन पे करना पड़ेगा? सिंपली 290 इंटू 8 और इंटू 50, करेक्ट है? और ये जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव टर्म्स में आएगा, सिंस उसको ये पे करना है। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, 290 इंटू 400, ये इक्वल आएगा 116,0,0, करेक्ट है? इसको मल्टीप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। 13 to 4 120 होता है, तो 29 to 4 उससे 4 कम, 116 एंड 000। नाउ अगर वो सारे के सारे दिन एब्सेंट होता तो 116,000 माइनस अमाउंट वो कंपनी को पे करता। अगर वो सारे के सारे दिन एवरी डे अगर वो प्रेजेंट है कंपनी में तो उसको टोटल कितना पैसा मिलता? 290 इंटू 500, और ये वैल्यू किसके इक्वल आता? इसको मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं है। 13 to 5 150 होता है, तो 29 into 5 कितना होगा? 145 एंड 000, करेक्ट है? लेकिन वो कुछ दिन प्रेजेंट होगा, कुछ दिन एब्सेंट होगा, तो इसमें आप एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर लो। मिनिमम सैलरी कितना होगा वो कंपनी को पे करेगा? -116,000। अगर वो सारे के सारे दिन एब्सेंट है तो ये वो कंपनी को पे करेगा। अगर वो सारे के सारे दिन प्रेजेंट है तो वो कंपनी उससे मिलेगा कितना? 145,000। कुछ दिन प्रेजेंट है और कुछ आवर्स के लिए एब्सेंट है, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन तो है जो उसको मिला है 132,400। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सिंपली 1450 में से आप 1324 को सब्ट्रैक्ट कर दो, करेक्ट है? तो वो वैल्यू किसके इक्वल आएगा? वो वैल्यू आएगा 126 के, और उस पर 20 सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये आपको मिल गया यहाँ पे वैल्यू। इसको वैल्यू को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 132,400 माइनस एंड विथ माइनस साइन 116,000। तो अल्टीमेटली ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? ये वैल्यू आपको इक्वल आएगा। तो यहाँ से आपको रेशियो टर्म्स में ये दोनों वैल्यू मिल गया। अगर आप रेशियो 20 से 20 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से वैल्यू कितना होगा? 3 into 4 एंड 2। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8। अगेन अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 14, और इसको अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 to 2, तो 7 और 6। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 7, और इसको 2 से डिवाइड करोगे आएगा तो ये 138। सो आपको यहाँ से कितना एब्सेंट है और कितना प्रेजेंट है इसका ये आपको रेशियो मिल गया, और वो कितना है? 7:138। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 145 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल होगा? जो टोटल वर्किंग आवर्स है, और टोटल वर्किंग आवर्स कितना था? वो था 290 इंटू 8। 145 से इसको डिवाइड करोगे 2, दैट इंप्लाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 16। तो टोटल एब्सेंट कितना दिन था? वो 7 यूनिट में। तो टोटल एब्सेंट डेज कैसे निकालोगे? 16 इंटू 7, दैट इंप्लाई 112 आवर्स, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। सो इस तरह से एलिगेशन का यूज करके आप डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।